मुझे खाली बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और मैंने 12 फरवरी को पदभार संभाल लिया। और उन्हीं के आदर्श तमाम लोगों की पथ प्रेरित बनकर हम सबको राह दिखा रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। ये पूरा का पूरा भवन और सभागार जोरदार तालियों से गूंज जाए, वहां से जाना चाहिए। और इस गीत के साथ आना ही चाहिए वैष्णव जल को तैरने के लिए जो भी जाने परमादरणीय श्री हिंदू भूषण जी गोयल,
अध्यक्ष राजस्थान खादी ग्राम उद्योग संस्था संघ एवं मंत्री खादी मंत्री बीकानेर परमादरणीय प्रशिक्षण देने के लिए जो हमारे चल रहे हैं चार हमने गत वर्ष में चलाए 10 यानी 200 कितनों को हम इस साल में हमने ट्रेंड किया है और 3 अभी चल रहे हैं। कल एक जो हमारा लोकल है इसी के साथ मार्केटिंग सुविधा के अनुसार हमने इस जिले में इस संभाग में हमने 2 प्रदर्शन लगा लिए। जब आधा तो अपने आ ही गया है इसलिए मैं आपसे भी सबका स्वागत बिल्कुल कह दिया क्या एक नहीं दो नहीं थी। आदरणीय कृष्णोर जी शर्मा अध्यक्ष राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जयपुर, आदरणीय इंदू भूषण जी गोयल। आज़ादी की जो जंग थी उसमें महात्मा गांधी जी के भारत आज़ादी के बाद इन आंदोलनों की शुरुआत हुई, उसके बाद किस तरीके से चरखा जो है वो घर घर पहुंचा और किस तरीके से उन्होंने देश की पूरी जनता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया और आज भी हम इस बात को मानते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और शायद वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर जी का इस सभा में अभिनंदन। वैष्णव जनता ने कहिए पीठ पर ही जाए जो इसके गांधी ने जो उच्चार किया वो आज भी हमें हमारी भी आज़ादी से हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, हमें काम करने की आज़ादी मिली, हमें एक गुलामी प्रथा में जो हमारी अभिव्यक्ति को रोका गया था रॉयल एक्ट के द्वारा जलियांवाला बाग द्वारा पर जिसने उसका विरोध किया उन सेनानियों को भी याद करना है जिन्होंने कि भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे दिया उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारी जी कृपा साहब की वे आए और ब्रज किशोर जी की श्री हमेशा बनी रहे। उसके बाद हम सबके आज के इस कार्यक्रम की यादें ब्रज किशोर जी के जहन में बनी रहे। खादी बड़ी भूमिका में रहा इस चरखे ने शांत की तरह झला करो जीवन एक बोर है संघर्ष की तरह ऊपर खड़े रहोगे तो थक जाओगे। मैं इनकी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महीने में चुपका शाली गीत को छोड़कर बाकी जितने दिन रहते हैं उसमें अगर मैं जयपुर में हूँ तो 1-1.30 बजे से लेकर शाम को 5-5:30-6 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ और जितनी भी गतिविधि है उनके ऊपर निगाह रखने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं जानता उसके नतीजे कुछ आए नहीं आए लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ खादी के लोगों को उसमें राहत मिली है ऐसा मेरा सोच है। मैंने कहा भाजी मैंने भाजी ने कहा बहुत खुशी की बात है फिर कल बात करेंगे। उन्होंने कीड़ी कितनी बड़ी बात कही बेटा अगर तुझको नौकरी करनी है तो तकदीर बेचना है तो नौकरी कर ले और अगर काम करना है आगे बढ़ना है तो अपना छोटा सा व्यापार है पहले दुकान बिजली की खोल रखी है उस पर अपना काम शुरू कर दो नौकरी की तरफ मत देखो। हाँ उसी का दिन था मैंने उसके बाद कभी नौकरी के लिए सोचा नहीं। को राजस्थान का बजट आने वाला है। अब मेरे चुनौती देखिए इतने कम समय में मैं खादी के लिए क्या कर पाऊंगा।